नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं क्या इसे देख के अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो मैं आपको याद दिला देता हूं। ये है कार का मिरर और इसमें दिख रही है दूसरी कारें जो आपके पीछे आ रही हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें मिरर में दिखती हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस मिरर की कि वाहनों में लगने वाले मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है और क्यों लगा होता है। मित्रों, इसके अंदर लगा होता है उत्तल दर्पण, पहले ये बता दूं, फिर मैं आपको बाकी चीजें बताऊंगा। उत्तल दर्पण लगा होता है। दर्पण क्या क्यों होता है? कोई भी दर्पण शीशे का एक टुकड़ा होता है जिसके एक तरफ ऐसी पॉलिश होती है कि आप जैसे पीछे की तरफ, ये मान लीजिए ये है दर्पण, इसके इस हिस्से पे ये पॉलिश है और इस हिसाब से होती है पॉलिश कि इस पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण इससे परावर्तित हो जाए। अधिकतर आयरन ऑक्साइड की, लौह का एक ऑक्साइड होता है लोहे का, उसकी पॉलिश होती है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? दर्पण ये तो आपने जो मैंने बनाया था ये है साधारण दर्पण, लेकिन और भी तरह के दर्पण होते हैं, फनी दर्पण भी होते हैं, थोड़े मजाकिया, जिनमें आपने देखा होगा जिनमें शरीर किसी के मोटा पतला, क्योंकि दर्पण का अलग अलग, वो जो बनाए जाते हैं उनकी अलग अलग जो वक्रता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, इसलिए आपको अलग अलग दिखते हैं। लेकिन वैसे क्या है, एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यूं उभरा हुआ होता है, इसमें पॉलिश वाली साइड यानी पॉलिश वाला भाग जो मैंने आपको बताया कि आयरन ऑक्साइड की पॉलिश होती है वो पीछे होती है। एक होता है अवतल दर्पण जो इसका ठीक उल्टा होता है, इसकी उभरी हुई तरफ में पॉलिश होती है ऐसे। फिलहाल उत्तल दर्पण होता है, जब उत्तल दर्पण की बात करेंगे, आपको बस ये बताना था इसलिए बता दिया। उत्तल दर्पण में मित्रों क्या होता है कि वैसे अगर ये दर्पण ना हो तो प्रकाश की किरण जाएगा इधर मुड़े, लेकिन ये दर्पण है, पीछे पॉलिश है इसके, है ना। तो इसमें जाने वाली जो प्रकाश की किरण है उसे हम हिंदी में कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। वो इसमें बनता है अंदर को दर्पण के इस साइड की कहीं, जो बनता है दर्पण के इस तरफ, लेकिन इसकी किरणें यहां आके मुड़ती हैं, तो यहां अगर कोई चीज है तो अंदर उसका आभासी प्रतिबिंब हर दर्पण से, ये तो फिर विज्ञान जैसी विषय आ जाएगी, दो किरणें मान के चलते, उसकी छोटी छोटी प्रतिबिंब बनते हैं। यहां से अगर कोई कार कोई भी वस्तु आ रही है तो उसके छोटे छोटे प्रतिबिंब उसी दूरी के हिसाब से अंदर बनेंगे, लेकिन अंदर जो दूरी होगी वो बिल्कुल वैसी नहीं होगी जैसी वास्तव में दूरी होगी। वाहन की दूरी आपकी जो आपको दिख रही होगी अपने दर्पण में वो कम होगी, कई सारे दर्पणों पर बात लिखी भी होगी और वाहन छोटे भी दिखेंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपने पीछे से आने वाला बहुत सारा ट्रैफिक आप देख सकते हैं, कौन आपके पीछे है, कितने लोग हैं, एक बड़े दायरे में आप देख सकते हैं। बड़े दायरे में दिखने का ही बस लाभ है, लेकिन ये लाभ बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर साधारण दर्पण लगा होगा तो बहुत छोटा सा हिस्सा आपको दिखेगा और आपको ट्रैफिक का अंदाज नहीं लगेगा। बड़ा हिस्सा देख के आपको पता लग जाता है कौन आगे पीछे दाएं बाएं सब, और वाहन चलाते समय ऐसा जरूर भी होना चाहिए। साथ में आपसे ये भी मेरा अनुरोध है, वाहन चलाते समय दर्पण का ठीक से इस्तेमाल करिए और ट्रैफिक नियमों का पालन करिए, और हमारे चैनल जिज्ञासा को देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि हम आपको फिर कुछ और बताएंगे, कुछ नया अपने चैनल जिज्ञासा पर। नमस्कार।